बिहार में भीषण बाढ़ के चलते प्रदेश में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग में अतिरिक्त सचिव कैलाश कुमार ने बात कही, रोशन को भी धन्यवाद दिया। मौतों की आंकड़े की जानकारी देते हुए कुमार ने कहा समझ गए होंगे, जिले में 20, किशनगंज में 8, पूर्वी चंपारण में 3, पश्चिमी चंपारण में 9, दरभंगा में 3, मधुबनी जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सीतामढ़ी से 5 और मधेपुरा में 4 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ से अधिक प्रभावित कटिहार जिले में राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए सेना की 3 के तैनात है। नेपाल से बिहार में आने वाली नदियों के जलस्तर की बढ़ोतरी के चलते बिहार के सीमाचल कहे जाने वाले इलाके 4 जिले किशनगंज, असरिया, पूर्णिया और कटिहार में हालत गंभीर है। इसके अलावा सोल, सरहरा और बगहा, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, दरभंगा और मधेपुरा समेत कई अन्य जिलों में भीषण बाढ़ आ रही है। इस बाढ़ में सूबे के लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सूबे में सीएम नीतीश कुमार की ओर से केंद्र में मदद मांगने के लिए राज्य में सेना और वायुसेना की तैनाती की गई है और बचाव कार्य लगाया जा रहा है। और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि जुड़े रहें आप हर खबर से सबसे पहले। तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अक्षय कुमार